कल रोहतक में आज चुनाव का दिन है, वोटिंग का दिन है, क्या माहौल है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये गढ़ और वहां के मुद्दे, वोटर्स क्या सोचकर वोट कास्ट कर रहे हैं? बिल्कुल विनेश, आज लोकतंत्र का पर्व है और ये रोहतक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाता है और सुबह सुबह ही लंबी लंबी कतारें भी लगनी शुरू हो चुकी थी। 7 बजे हमने एक लंबी कतार भी देखी और जहां पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, ये रोहतक जो कंस्टिट्यूएंसी है उसका बूथ नंबर 32 है और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जहां पर सुबह सुबह ही जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी यहां पे आई हुई हैं, छोटे बच्चे भी साथ में लेके आए हुए हैं। माता जी क्या कहेंगी, आज सुबह सुबह ही आ गई वोट डालने के लिए? हाँ, सुबह सुबह आ गई वोट डालने के लिए। तो किन क्या क्या सोच के वोट डाले हुए भाई? ने मैंने बेराम तो उनसे हो गया, उससे की वोट डालने जरूरी थी। हाँ, वोट डालने जरूरत भाई, मेरे फोन पर भी आ गया था। आप सभी को बोलोगे हाँ, सभी वोट डालने जाए? हाँ, सभी वोट डालने जाए। आप क्या कहोगे, कौन से मुद्दे हैं जिसके ऊपर आप वोट डाले? देखो, हमारी गली में गली टूटी हुई है, पानी की समस्या है, ये मोटी समस्या, सीवरेज की भी समस्या है। आप क्या कहोगे? हमारी जी सबसे पहले अग्निवीर की समस्या है, जो कि देश की इतनी बड़ी सुरक्षा होती है उसके लिए उसको खत्म। आप क्या कहोगे? मैं सुखबीर सिंह दिया ये कहना चाहता हूँ, ये लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पार्टी है जिन्होंने हमें संविधान में वोट डालने का अधिकार दिया और मैं ये कहता हूँ सभी ने अपना अधिकार लेना चाहिए और जो पार्टी झूठ फैला रही है उसका विरोध करना। आप क्या वोट डालने जा रहे हो सोच के? हम ये सोच के हैं कि हमारे जो महिलाओं का सम्मान है वो इस पार्टी में नहीं मिल पा रहा है। देश के अंदर जो मोदी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दिल्ली में हमने देखा बेटियों के साथ क्या हुआ, पूरे हरियाणा में यही माहौल है। आप क्या कहोगे? विकास कार्यों की समस्या है, विकास कार्य कोई भी नहीं हुआ 10 साल में यहाँ पे। हेलो, आप क्या कहोगे? बदलाव चाहो हाँ जी, कांग्रेस को लाना चाहो। आप क्या कहोगे? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और 6 महीने से गंदा पानी पी रहा है। आप क्या? एक सर्वश्रेष्ठ विधायक बीबी बतराव को बनाना चाहते हैं, 90 विधायकों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर, उसको मिटाना चाहते हैं। आप क्या कहोगे? वो काम होते नहीं, अड़ गली ब्राह्मणी को कागज मोड़ जा दिए, कागज खुआ रहा दूसरे ढूंढा दूसरे। आप क्या कहोगे? विकास के लिए वोट दिया है। आपने वोट डाला है? हाँ जी, विकास के लिए, रोहतक के विकास के लिए वोट डाला है अपना। आप? हमारा पॉइंट जी, युवाओं की एक जो सबसे बड़ी समस्या है, एक तो नशा और एक विदेश की तरफ जो रुख कर रखा है, इसको लेके सरकार की क्या मंशाएं हैं, क्या तैयारी की जा रही है उसको लेके हम वोट डालेंगे। आप? विकास के लिए। आप? मेरा वोट बेरोजगारी के खिलाफ, जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसके खिलाफ, जो महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ और जो नशा बढ़ रहा है उसके खिलाफ वोट है। आप? जो भाईचारा खराब किया था वो भाईचारा अब दोबारा बढ़ने लग रहा है, वोटिंग पूरी फुल चल रही है, बहुत बढ़िया कार्य चल रहा है। फिलहाल आपने क्या कहना है? आप फिलहाल जी, अब हम विकास चाहते हैं जी, कांग्रेस सरकार को लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे विपनेश आप देख पा रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो माहौल है वो बना हुआ है और लोग सुबह सुबह ही अपने अपने मुद्दों को लेके वोट डालने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं और कुछ ने यहाँ पे वोट भी डाल रही है। जी हाँ बिल्कुल, हर मतदान केंद्र पर यही देखने को मिल रहा है, जनता बेहद ही जागरूक है। ऋषिकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए। ऋषिकेश, अगर हरियाणा की बात की जाए, विकास एक बड़ा मुद्दा हमेशा रहता है लेकिन जाति भी एक बड़ा फैक्टर, जरा मतदाताओं से ही समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या सोच कर आ रहे हैं मतदान केंद्र पर। देखिए बिल्कुल, एक मैं पहले तस्वीर दिखा रहा हूँ, चूंकि जिस इलाके में मौजूद हूँ, जिंद जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं, पिछली बार जेजेपी 3 सीटें यहाँ से जीती थी, बगल में उचाना कला, दुष्यंत चौटाला की सीट है, यहाँ से चुनाव जीत कर वो पहुँचे थे। इस बार देखिए सुबह का वक्त है और शहरी सीट पर हूँ, कस्बाई सीट है जुलाना, और यहाँ को लेकर के इस बार क्या मुद्दे हैं ताऊ आप लोगों के चुनाव में? नहीं पता। अरे अब तो वोट लाइन में लगे हो, 10 साल कैसा काम हुआ नहीं हुआ? बढ़िया काम हुआ, जमा एक नंबर का, एक नंबर का काम सही, एक नंबर का काम हुआ, बगैर खर्ची पर्ची के नौकरी मिली, हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट पर भी टैक्स लगा दिया कांग्रेस सरकार ने, इनके काले राज से निकलने के लिए बीजेपी को लेके आए थे और एक बार फिर बीजेपी को लेके आएंगे। ये विनेश फोगाट
को लोग कह रहे हैं सिंपैथी है, मेडल से चूक गई, दो साल उनके साथ क्या क्या हुआ वो जिक्र कर रही थी चुनाव में। बढ़िया वैसा वो कुश्ती करके आई थी, बढ़िया वो मेडल जीत के लेके आई। हम भी चाहते हैं वो आगे भविष्य में भी चल के मतलब तरक्की करे। हमारा आशीर्वाद या मेरी छोटी बड़ी बहन है जो भी है ठीक है बढ़िया है। वोटिंग के लिए हम चल रहे हैं, यहाँ पे वोट देने के लिए आए हुए हैं, लाइन में खड़े हैं। तो ये 10 साल कैसा काम हुआ है? 10 साल के लिए बहुत बढ़िया काम हुआ है, आगे भी होता रहेगा, ये सरकार बहुत बढ़िया है। आप बताइए। ठीक है, बढ़िया काम करे हैं। बढ़िया। अच्छा देखिए, कुछ महिलाएं, क्योंकि महिलाएं विनेश फोगाट महिला हैं और आप लोग ठीक हैं? अब तो 500 में सिलेंडर मिलेगा, लोग दोनों पार्टी कह रहे हैं। ताई कोने दिन दे, हमने तो वो 800 का मिला है सिलेंडर, दिन दे क्यों ना। मोटे मोटे वो ऊपर लेखा जा है, मोदी तो कर दे है, वो तो कोने कर दे दूसरे तो। हाँ फिर ठीक है, पेंशन भी हमारी को नहीं मिलती, पेंशन पेंशन हम तो बुढ़े से जुआन बना रखे हैं। अब तो करें कि सरकार जब नहीं बनेगी तो फिर पेंशन तो देवेंगे ना, कोने मिला नहीं है झूठी बुकावा। तो अच्छा काम किया है सरकार ने? हाँ अच्छा तो किया है, फिर ऊपर लिखा जा है ये और बैठे मोदी क्या करेगा। लोग कह रहे हैं कि 500 में सिलेंडर कोई भी सरकार बने महिलाओं को, तो जिस सरकार मने पीछे बेरा पाटेगा ना, पहले कुछ कह दे बाद में कुछ हो जाए। अब है कि 2000 रुपया एक पार्टी करे कि 2000 आपके खाते में डालेंगे, कहने की बात है, ये तो कहने की बात है, कहने की बात है। अच्छा तो 10 साल कैसा किया यहाँ आपके विधायक ने काम, सरकार ऐसी सरकार कर दिया मोदी ने, कर पहले इधर 800 कर दिया मोदी ने, कैसा कर दिया 400 सिलेंडर था पहले 8 साल पहले, पूरा 800 कर दिया, 400 का था, 400 का था, अरे इवन वो 500 करूंगा, 400 को नहीं करता पहले डेब योजना ही डाला करा दे कर फेरे। अब तो खुश हो 500 में अब सिलेंडर मिलेगा आप लोगों को? नहीं अच्छा ये मुद्दे क्या है आप लोगों के, इस बार जब वोट डालने जा रही हो तो कैसा सरकार यहाँ काम कर रही है आप लोगों के लिए, कैसा करना चाहिए? बढ़िया करना चाहिए, बढ़िया करना चाहिए। अच्छा तो कैसा किया आप लोगों के लिए ये 10 साल जो सरकार रही, ठीक था, ठीक है, और आगे कैसी सरकार चाहते? ठीक है ऋषिकेश, आते हैं आपके पास। देखिए आज ही आबादी से आप बात कर रहे हैं, उनके अलग ही मुद्दे होते हैं, उनको भी जानना जरूरी हो जाता है। और आज हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा वोटर्स से बातचीत करें, क्योंकि उन्हीं का दिन है, क्या सोचकर वोट कास्ट करने पहुंचे जानना जरूरी है।